डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब भी हमारे पास एक सेट मौजूद हो तो हम उस सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल अगर हमारे पास दो सेट्स हों या दो से ज़्यादा सेट हों तो तब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज़ आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी is defined as A cross B is equal to A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। तो अगर आप इस definition को set builder notation के through देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस set के अंदर elements हैं ordered pairs A comma B, जिसमें से ये जो first element है जिसे आप abscissa भी कहते हैं, ये set A का हिस्सा होगा A cross B के केस में, और ये जो ordinate है ये सेट बी का हिस्सा होगा ए क्रॉस बी के केस में। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हों, ए सेट के अंदर एम वन एलिमेंट्स हों और बी सेट के अंदर एम टू एलिमेंट्स हों। तो उस केस में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो प्रोडक्ट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मीन्स एम वन इंटू एम टू। इसका मतलब ये है अगर सेट ए के अंदर फाइव एलिमेंट्स हों और सेट बी के अंदर फोर एलिमेंट्स हों तो इस केस में ए क्रॉस बी के अंदर फाइव इंटू फोर ट्वेंटी एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह हम इसी आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं बी क्रॉस ए के लिए, और बी क्रॉस ए के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉर्म बी कॉमा ए such that A is from set A and B is from set B। तो इस तरह से हम B cross A को लिखेंगे। इसमें अब जो abscissa होगा वो set B में से होगा और जो ordinate होगा वो set A में से होगा। तो इसी तरह हम A cross A, B cross B लिख सकते हैं, और उनके number of elements भी हम इसी method के through calculate कर सकते हैं। तो जब हमारे पास A cross B के केस में अगर A में M1 elements, B में M2 elements हों तो A cross B में M1 into M2 elements होंगे, और B cross A के केस में M2 into M1 which is equal to M1 into M2 number of elements होंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक और केस है कि अगर हमारे पास तीन सेट्स हों A, B और C, तो उस केस में हम ये क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लिखते हैं। तो उस केस में हम A cross B cross C को लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू A comma B comma C such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट A में से होंगे, सेकंड एलिमेंट सेट B में से होंगे और थर्ड एलिमेंट्स सेट C के अंदर से होंगे। हम इसी आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू n नंबर ऑफ सेट्स, और इसी तरह हम इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर A क्रॉस B क्रॉस C का केस है तो इस केस के अंदर इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों M1, B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों M2 और C के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों M3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C विल बी इक्वल टू M1 इनटू M2 इनटू M3। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ भी आ जाती है कि हम इसी तरह A क्रॉस A, B क्रॉस B क्रॉस B, C क्रॉस C क्रॉस C डिफरेंट सेट्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम इस पे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। इस केस में अगर हम A क्रॉस B कैलकुलेट करना चाहें तो A क्रॉस B कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सेट को हम किस तरह लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वन और सेकंड सेट बी में से एक्स, इसी तरह सेकंड एलिमेंट में वन वाई, इसी तरह नेक्स्ट सेट ए में से टू और सेट बी में से एक्स, और लास्ट सेट ए में से टू और सेट बी के अंदर से वाई। तो आप देख लें कि ये हमारे पास ए क्रॉस बी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ना कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉमास के थ्रू एक दूसरे से अलग अलग किया, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर हैं। इसी तरह अगर मैं बी क्रॉस ए को कैलकुलेट करूँ तो ये हमारे पास इक्वल होगा, इसमें अब फर्स्ट एलिमेंट सेट बी में से होंगे, तो इसलिए पहले एक्स और यहाँ पे वन, नेक्स्ट एक्स एंड टू, नेक्स्ट
y and 1 and last y and 2. तो इस तरह से हमने b क्रॉस a को लिखा. अब यहाँ पे a क्रॉस b एक डिफरेंट सेट है और b क्रॉस a एक डिफरेंट सेट है. ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट हैं. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे x है जबकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है. तो इसलिए आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि a क्रॉस b इज़ इक्वल टू b क्रॉस a, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a. अब यहाँ पे हम साथ ये देखते हैं कि अगर हम a क्रॉस a को कंप्यूट करें तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे. तो यहाँ पे अब फर्स्ट एलिमेंट्स भी सेट a से होंगे और सेकंड एलिमेंट्स भी सेट a से होंगे. तो यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 2, 1 and 2, 2 ये हमारे पास a क्रॉस a होगा. इसी तरह b क्रॉस b अगर हम कंप्यूट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा, x, 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 y, y, x and y, y. अब आप अज्यूम करें कि अगर हमारे पास सेट ए के अंदर जस्ट वन एलिमेंट हो, सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है x और सेट सी है इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं a कॉमा b. तो अगर मैं यहाँ पे a क्रॉस b क्रॉस c इसे लिखना चाहूँ तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और वो किस तरह के होंगे? तो यहाँ पे जिस तरह हमने a क्रॉस b क्रॉस c की डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 1 × 1 × 2, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होंगे. और वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 a से, x b से और यहाँ से स्मॉल a. सिमिलरली सेकंड एलिमेंट में सेट a से 1, सेट b में से x और सेट c में से b. इसके अलावा इस सेट के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं होगा. तो आप यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंक्रीज करके फिर भी a क्रॉस b क्रॉस c को लिख सकते हैं. आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से डिफरेंट सेट्स के केस में a क्रॉस b, b क्रॉस a, a क्रॉस a, b क्रॉस b एंड a क्रॉस b क्रॉस c को लिख सकते हैं.